इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन आइडल के एक मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट चिराग कोतवाल के बारे में, कैसे चिराग कोतवाल इंडियन आइडल के अंदर पहुंचे और कैसे आप भी इंडियन आइडल के अंदर पहुंच सकते हैं और क्या आप सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग यार बोलते हैं कि इंडियन आइडल फेक है, स्क्रिप्टेड है, तो यारो मैं तो बस एक बात मानता हूँ, इंडियन आइडल अगर फेक है, स्क्रिप्टेड है, वो है देखने वालों के लिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो इंडियन आइडल के अंदर जाना चाहते हैं एज अ कंटेस्टेंट, सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, मोस्ट पॉपुलर होना चाहते हैं एज अ सिंगर, तो आपके लिए इंडियन आइडल एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। फेक और स्क्रिप्टेड उन लोगों के लिए जो शो को देखते हैं, अगर है तो, बाकी मैं ये नहीं दावा करता कि वो फेक है या फिर स्क्रिप्टेड है। बेसिकली अपने को तो ये मतलब होना चाहिए कि भाई हमें शो में जाना है, तुम शो को देखने की जगह शो के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं एज अ कंटेस्टेंट, वहाँ पर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आपको इस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि बेसिकली शो चल कैसे रहा है, क्या फेकनेस फैला रहा है, क्या स्क्रिप्ट फैला रहा है। और ये बात चिराग कोतवाल बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि उनका जन्म जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनकी स्टडी और उनकी जो एजुकेशन है वो मुंबई के अंदर ही हुई थी। और मुंबई की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, छोटा पर्दा है, इन सब के बारे में उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी कि बेसिकली चीज़ें काम कैसे करती हैं। ये गाइज मेरे खुद के विचार हैं और आज जो मैं ये वीडियो आपके सामने रखूँगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। इंडियन आइडल जैसे शो के अंदर, सिंगिंग शो के अंदर जाने के जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियरिटी आएगी कि बेसिकली क्या करना है मुझे। और वहीं आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो चिराग कोतवाल कैसे इंडियन आइडल में गए और कैसे वो अपने आप को वहाँ पर टिका पाए। देखो कंटेस्टेंट तक जाना ये एक अलग जर्नी होती है और उन कंटेस्टेंट्स के अंदर भी अपनी जगह बनाना, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 में टिके रहना, ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है और यही हम सीखेंगे चिराग कोतवाल से। चिराग कोतवाल एक प्लेबैक सिंगर रह चुके हैं, वहीं चिराग कोतवाल का जो जन्म है जम्मू के भरदवा के अंदर हुआ है और अभी रिसेंटली इनकी एज 21 ईयर्स ओल्ड है। इनको पहले से ही पता था कि मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है, मुझे एक बहुत अच्छा सिंगर बनना है, तो इसलिए इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग है, जो अकेडमीज़ हैं, वो भी म्यूज़िक के मोस्ट पॉपुलर स्कूल से ही की है। दावा किया जाता है कि चिराग कोतवाल ने अपनी म्यूज़िक स्टडी अजीब आसन म्यूज़िक अकेडमी से की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं आपको गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो चिराग कोतवाल हैं वो जम्मू के मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग शो के स्टार भी रह चुके हैं। एक टीवी ड्रामा शो आता था जहाँ पर चिराग कोतवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ के विनर भी रहे। अब जैसा मैंने आपको ऋषि सिंह के एग्जाम्पल में भी बताया था कि पहले आपको अपने स्टेट पे काम करना होगा, अपना लोकेलिटी के ऊपर काम करना होगा, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के 10-15 घर आपको जानते हो कि आप एक सिंगर हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, फिर वो 10-15 घर 20-25 घर में करो, फिर 50 घर में करो, फिर 100 घर में करो, ऐसे आपकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती है। आप सोचो कि आप एकदम फेमस हो जाएं, तो ये बहुत ही रेयर होता है, 100 में से 1% चांस होते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो वायरल की वजह से। और अगर वायरल कैसे होना ये नहीं पता तो ये इसके ऊपर भी हम आगे कभी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे चिराग कोतवाल की, जहाँ पर मैंने आपको बताया वो पहले अपने जम्मू के अंदर फेमस हुए थे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुंबई में भी कुछ किया जाए और इंडियन आइडल जूनियर 2013 के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, जहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस किया श्रिया घोषाल और विशाल ददलानी जो कि सुपर जजेस थे इंडियन आइडल जूनियर के उस टाइम पर। और वहाँ से ही चिराग कोतवाल को ये समझ में आ गया था कि भाई जब भी सिंगिंग करो तो अपने लिए मत करो, क्योंकि आपको सुनने वाले आपके लोग हैं, आपकी जनता है, और हमेशा सिंगिंग करनी चाहिए तो उनके लिए करनी चाहिए, यानी कि उनको क्या पसंद है वो आपको सिंगिंग में लाना है, ना कि आपको क्या पसंद है वो मुझे लाना है। वहीं गई चिराग कोतवाल को एक बात और पता चली इंडियन आइडल 13 में आने के बाद, और ये बात बहुत ही ज़रूरी है और ये बात आपको आज से ही जान लेनी चाहिए। लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो आपकी सिंगिंग ही सुनना पसंद नहीं करती, वो गाइस तुमसे जुड़ना चाहती है, तुम्हारी ज़िंदगी में घुसना चाहती है। अब ऐसा क्यों करती है इंडिया की जनता ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता आ रहा है। अगर उनको कोई भी सिंगर पसंद आता है, कोई भी एक्टर पसंद आता है, तो वो उसके
हर जिंदगी को जानना चाहते हैं, उसके जिंदगी में क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। और ये बात चिराग कोतवाल को इंडियन आइडल 13 के अंदर आने के बाद पता चली, क्योंकि ऋषि सिंह जिस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे, जिस तरह से वो अपने करियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में टेलीविज़न पे ला रहे थे और जिस तरह से वो पॉपुलर हो रहे थे, चिराग कोतवाल ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, स्टार्टिंग में ऋषि सिंह को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट किया गया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि वो नई नई चीज़ें हर रोज लोगों को बता रहे थे। जहाँ पर एक और बात हमें पता चली कि ऋषि सिंह के जो पेरेंट्स हैं वो रियल पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें मानता हूँ कि इंडियन आइडल वाले हमेशा कंटेस्टेंट से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने शो को एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट शो बनाना चाहते हैं, जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट्स को उनकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है। यहाँ पर चिराग कोतवाल ने सोचा क्यों ना लव स्टोरी, लव एंगल्स को लाया जाए, और लव एंगल सीजन 12 के अंदर पहले भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, और इसी चीज़ का चिराग कोतवाल ने फ़ायदा उठाया और कहीं ना कहीं लोगों से वो कनेक्ट भी हो पाए। तो गाइस, हमें यही सीखना चाहिए कि भाई बेसिकली लोगों से कनेक्ट कैसे हो। आप अपने YouTube पे वीडियोस डाल रहे हैं सिंगिंग के, आप Instagram पे डाल रहे हैं, तो आपको ये देखो कि लोगों से कैसे कनेक्ट हो। मैंने आपको पहले बताया था, लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको लेटेस्ट सॉन्ग के ऊपर आपको वीडियोस बनानी चाहिए, उन वायरल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए जो सिंगिंग से रिलेटेड हों। जैसे आप MC स्टैंट के बारे में बना सकते थे, उनकी रैप्स को आप डाल सकते थे अपने वॉइस के अंदर, या उस उनकी रैप का आप सॉन्ग बना सकते थे। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपके भी चांसेस होते हैं कि आप भी एक पॉपुलर सिंगर बनोगे, आज नहीं तो कल। लोगों को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये चीज़ हमेशा से मानता आया हूँ कि शो वाले आपसे बोलते हैं कि आप अपना 100% दो। जो कंटेस्टेंट को ये लगता है कि भाई 100% का मतलब कि सिंगिंग में 100% दो, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिन कंटेस्टेंट को समझ में आ जाता है कि भाई शो वाले क्या मांग रहे हैं, वही कंटेस्टेंट फिर आगे निकलते चले जाते हैं। जहाँ पर चिराग कोतवाल बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भाई ऑडियंस सिंगिंग से नहीं जुड़ती, आपके इमोशनल, आपकी रोमांटिक फेस, आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट होती है। और चिराग कोतवाल कुछ ना कुछ आइडिया इंडियन आइडल को बताते रहते थे। जहाँ पर अभी लेटेस्ट में ही चिराग कोतवाल अपने फ्रेंड्स को भी उस शो का हिस्सा बनाया और अपना एक और जो नज़रिया था, एक और जो स्टाइल था, वो भी इंडियन आइडल वालों को दिखाया, जिससे कि ऑडियंस और ज़्यादा कनेक्ट हो गई। अब बात वहाँ पर आती है जब वोटिंग की जाती है। वोटिंग में जब ऑडियंस जाती है वोट करने, तो उनके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं जो उनसे कनेक्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं चिराग कोतवाल कनेक्ट होने में काफ़ी अच्छे साबित रहे। इसी वजह से चिराग कोतवाल की जो वोटिंग है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और यही बात चिराग कोतवाल को सबसे अलग बनाती है। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप तो सिंगिंग के दम पे लोगों को कनेक्ट कर लोगे, सिंगिंग से लोगों को अपना दीवाना बना लोगे, तो कहीं ना कहीं गाइज ये चीज़ आप गलत कर जाओगे, क्योंकि लोग आपसे भी जुड़ना चाहते हैं। उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप सिंगर हैं वो आप बिल्कुल उन लोगों की ही तरह हैं, आप एक नॉर्मल हैं, कोई भी बड़ी यूनिक स्किल आपके अंदर नहीं है। अब गाइस फाइनल मुद्दे पे आते हैं, और ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अगर ये कुछ बातें और मेरे इस वीडियो के साथ लेकर जाते हैं, आपका जो टाइम वेस्ट हुआ है, आपको लगा टाइम वेस्ट हुआ है इस वीडियो को देखने का, तो बिल्कुल वसूल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वसूल होने वाला है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत कम लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे, बहुत कम लगेंगे कि कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं, इंडियन आइडल में हो या किसी भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जाते हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जजेस के सामने खड़े हो तो उनको ये कभी शो नहीं कराना कि आपका मोस्ट फेवरेट वो शो है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो शो देखना, क्योंकि शो वाले कभी नहीं चाहेंगे जो लोग शो को देखते हैं वही शो का हिस्सा बने। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे सिंगर चाहिए जो शो के अंदर जान डाल सकें। आज 1 लाख लोग देख रहे हैं शो को,
1 करोड़ शो को देखें, 1 करोड़ लोग उस शो को देखने लगे सिर्फ आपकी वजह से। तो आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसा सिंगिंग करनी है, इस तरह से रिएक्ट करना है कि जजेस को दिमाग में लगे। आपको क्लियरली नहीं बोलना, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा देनी है कि जहाँ पर आपको आज 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, मुझे लेने से आपके शो को, आपके चैनल को 2 करोड़ लोग देखने लगेंगे। कुछ इस तरह से उनके दिमाग में आपको डालना है, तभी आपका जो ऑडिशन है वो ईजिली पास आउट होगा। अब देखो गाइस, बहुत सारे लोग ये चीज़ कर नहीं पाते और जजेस हमेशा ऐसे लोग ही चाहते हैं जिससे कि उन शो की TRP बढ़े। तो अब जजेस क्या करते हैं, जजेस देखते हैं कि भाई आपका सोशल मीडिया अकाउंट कैसा है, आप कितने एक्टिव हैं, अपने दम पे आपने कितने लोगों को इकट्ठा किया है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, जब भी आप कोई ऑडिशन फॉर्म फिल करते हैं, आपसे इंस्टाग्राम यूट्यूब अकाउंट लिए जाते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि भाई आपकी जनता कितनी है। अगर आपने YouTube और Facebook पे जनता इकट्ठी कर रखी है, लोग इकट्ठे कर रखे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पोटेंशियल है। आप अगर इंडियन आइडल के अंदर आएंगे तो वहाँ पर भी जनता इकट्ठी करेंगे, पर वो रहेगी इंडियन आइडल वालों के लिए। तो यही रीज़न है कि वो आपसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स मांगते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रो कीजिए, और आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैं जल्द ही बहुत सही सही वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली कैसे ग्रो करें, कैसे बढ़ाएं। अब यही चीज़ जब आप इंडियन आइडल में जाएंगे, किसी भी शो में जाएंगे, उसी चीज़ का यूज़ करके आप वहाँ पर भी लोगों को अपना दीवाना बना सकते हैं। वहीं गाइस, इस वीडियो को यहाँ पर ही रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ऋषि सिंह की नहीं देखी वीडियो इसी तरह की, तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। इंडियन आइडल में कैसे जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो नहीं देखा तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।